जय दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार। रिसेंटली दोस्तों लॉन्च कर दिया Realme 12X 5G डिवाइस। प्रीमियम बैक डिजाइन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। 7.69 इंचेस की अल्ट्रा सिम बॉडी भी इसमें मिल जाती है। 6.72 इंचेस का FHD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। 45 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिल जाती है Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर के साथ में तो आता ही है। सेगमेंट का पहला ऐसा मोबाइल है जो इस प्राइस सेगमेंट में VC कूलिंग फीचर के साथ में आता है। गेमिंग वगैरह आप कर रहे हो तो ज्यादा हीट अप देखने को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। 950 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट इसमें मिल जाता है। I54 रेटिंग के साथ में आता है। एडजस्टर वाला वो भी इस डिवाइस में प्रोवाइड किया गया। पैर में डुअल कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया जिसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल AI सेंसर है एंड सेकेंडरी यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है। वैसे सेल्फी के लिए इस मोबाइल में 8 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया गया है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 और Realme UI 5.0 स्टेबल अपडेट के साथ आउट ऑफ द बॉक्स ये मोबाइल आता है। इस मोबाइल में MediaTek Dimensity 6100 प्लस वाला 6nm ऑक्टाकोर प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। इसका सेगमेंट में काफी कैपेबल प्रोसेसर है। गेमिंग मल्टीटास्किंग काफी बढ़िया तरीके से कर लेता है। एंटी बेंचमार्क स्कोर अब 4 लाख देखने को मिलता है। 5000mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है और इस प्राइस सेगमेंट में एंड्रॉइड 12 के आपको 45W की सुपर बुक चार्जिंग प्रोवाइड की गई है। वैसे दोस्तों इसका चार्जिंग टेस्ट भी हम कर चुके हैं। टोटल 1 आवर 12 मिनट के आसपास ये डिवाइस फुली चार्ज हो जाती है। इस वीडियो में 100% to 0% फुल बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट हम करने वाले हैं। देखते हैं 5000mAh की बैटरी कितना सर्वाइव करती है। तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बैटरी ड्रेनिंग करने से पहले आपको बता दें फुल ब्राइटनेस पे हमने मोबाइल को कर रखा है और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो साउंड है इसे भी हमने फुल कर रखा है। सबसे पहले दोस्तों आपको बैटरी दिखा देते हैं, 100% है और जो टेम्परेचर है ये 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले एंटीटू बेंचमार्क स्कोर ऐप को रन करने वाले हैं। एंटीटू बेंचमार्क स्कोर आप देख सकते हो यहाँ पे 4 लाख के अबव आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही हेवी ऐप होती है और सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन ये करता है। यहाँ पर दोस्तों हम हाफ आवर ये टेस्ट करने वाले हैं, इसके बाद बैटरी के हालचाल बताएंगे। इस तरह के टेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर कमेंट अगर आप करते हो तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे टेस्ट भी हमने इस मोबाइल के रिगार्डिंग किए और ऑलमोस्ट यहाँ पे हाफ आवर हो चुका है। थोड़ा सा कट एंड फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि फटाफट से रिजल्ट देखने को मिले। आपको अगर हम पूरा टेस्ट दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। 93% पे बैटरी यहाँ पे आ चुकी है। 7% बैटरी ड्रेन होती है यहाँ पे हाफ ओवर एंटीटू बेंचमार्क स्कोर रन करने पे और टेम्परेचर आप देख सकते हो 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच चुका है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट हम रन करने वाले हैं हाफ आवर के लिए और मोस्टली इस टेस्ट से पता चल जाता है गेमिंग मल्टीटास्किंग अगर आप कर रहे हो तो CPU को कितना थ्रॉटल स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पे ये टेस्ट को हम हाफ आवर करने वाले हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पे हाफ आवर हो चुके हैं। अगेन से हमने फास्ट फॉरवर्ड और कट भी किया है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आवर टोटल हो चुका है। 88% पे बैटरी आ चुकी है और 88% ही इसका CPU थ्रॉटलिंग भी आता है एंड टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों इस टेस्ट को करने के बाद 5% बैटरी ड्रेन होती है। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे शॉर्ट रन करने वाले हैं। शॉर्ट और रील हम मोस्टली यूज़ करते ही रहते हैं डेली लाइफ में तो 1 आवर तक हम यहाँ पे शॉर्ट्स रन करके देखेंगे यूट्यूब में। यहाँ पर दोस्तों अगेन से आप देख सकते हो 1 आवर के आसपास हो चुका, टोटल 2 आवर हो चुके हैं और बैटरी परसेंटेज हम देखें तो यहाँ पे 80% पे बैटरी आ चुकी है और टेम्परेचर 41 ही है। यहाँ पे इस शॉर्ट्स को रन करने के लिए 8% बैटरी ड्रेन हो जाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ पे BGMI गेमिंग करेंगे। इससे पहले यहाँ पे हमने BGMI का फुल गेमिंग रिव्यू भी करा है, चैनल पे अवेलेबल है। ग्राफिक सेटिंग आप देख सकते हो स्मूथ के साथ अल्ट्रा, बैलेंस के साथ अल्ट्रा, HD के साथ हाई का ऑप्शन मिलता है तो स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग में हम यहाँ पे गेमिंग करने वाले हैं। इसके अलावा गेमिंग में यहाँ पे आपको जायरोस्कोप का सपोर्ट भी मिल जाता है। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के साथ ये मोबाइल आता है और इस प्राइस सेगमेंट में 950 निट्स ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। VC कूलिंग का सपोर्ट भी गेमिंग वगैरह के लिए मिल जाता है तो ऑलमोस्ट गेमिंग काफ़ी स्मूथ तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। वैसे फुल रिव्यू अगर आपको देखना है तो हमने यहाँ पे BGMI फ्री फायर गेमिंग दोनों ही टेस्ट किए हैं। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रिस्पॉन्स इस मोबाइल से मिल जाता है और BGMI जो है हम यहाँ पे 2 आवर के आसपास खेलने वाले हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 आवर हो चुके हैं। टोटल यहाँ पे 4 आवर हो चुका है और 2 आवर अगर आप BGMI गेमिंग करते हो तो यहाँ पे जो पहले 80% बैटरी थी यहाँ पे 58 पे आ चुकी है तो यहाँ पे दोस्तों 22% बैटरी ड्रेन होता है 2 आवर की गेमिंग में और ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पे टेम्परेचर अगर देखें
38 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है, यानी अंडर कंट्रोल यहाँ पे टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पे वीसी कूलिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। यूट्यूब में मैक्स टू मैक्स 2K वीडियो का सपोर्ट आपको मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 2K वीडियो हम यूट्यूब में वॉच करने वाले हैं 1 आवर तक। यूट्यूब भी हम मोस्टली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने सोचा कि चलो यूट्यूब लगा देते हैं, 1 आवर के लिए हम यहाँ पे 2K वीडियो रन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगेन से हमने कट एंड फास्ट फॉरवर्ड किया है और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे 5 आवर हो चुके हैं 1 आवर यूट्यूब वीडियो 2K रेजोल्यूशन के साथ वॉच करने के बाद 47% पे बैटरी आ जाती है। एंड टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिखा दे तो आप देख सकते हो 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है। तो इस 1 आवर यूट्यूब वीडियो में 11% बैटरी ड्रेन होती है। यहाँ पे दोस्तों रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है अभी तक बैटरी का, 5000 mAh की बैटरी है और यहाँ पे 45W की फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट हम 1080p 30fps पे 1 आवर तक वीडियो रन करके देखेंगे कि यहाँ पे कितना टाइम लगता है। अगेन से यहाँ पे 6 आवर टोटल हो चुके हैं। जब हमने YouTube वीडियो रन किया था तो 47 पे बैटरी थी और आफ्टर 1 आवर वीडियो रन करने के बाद 31 पे बैटरी आ चुकी है। और टेम्परेचर को दिखा दें तो यहाँ पे देख सकते हो 48 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, देन यहाँ पे टेम्परेचर भी ये इस रूम का थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 48% तक मोबाइल पहुँच गया। इस टास्क में टोटल बैटरी ड्रेनिंग 16% तक हो जाती है। देन दोस्तों कैजुअल गेमिंग हमने करने की सोची, क्योंकि डेली लाइफ में हम BGMI जैसे हार्डकोर गेमिंग तो करते ही हैं, नॉर्मल गेम भी करते हैं, तो यहाँ पे टेम्पल रन हमने 1 आवर तक रन कर दिया है। टेम्पल रन अगर आप 1 आवर तक रन करते हैं देन इसके बाद जो बैटरी देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज आपको दिखा देते हैं, 31 पहले था, अब 22 पे यहाँ पे बैटरी आ चुकी है। एंड इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पे आप देख सकते हो 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया है। समर का सीज़न है, थोड़ा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता हुआ लग रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन हुआ है ये 9% के आसपास हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने अगेन से जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर है जो कि ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है, इसे रन करने की सोची और यहाँ पे दोस्तों 7 आवर टोटल हो चुके हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 आवर 27 मिनट के बाद में ये मोबाइल फुल्ली डेड हो जाता है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे बोल सकते हैं इस 8.5 घंटे का बैटरी बैकअप इस मोबाइल में मिलता है अगर हम एक्सट्रीम यूज़ करते हैं। ये एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पे हम एक्सट्रीम ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप डेली लाइफ में कोई टास्क करते मोबाइल को यूज़ करते हैं तो इतना एक्सट्रीम यूज़ आप नहीं करोगे, देन यहाँ पर बैटरी बैकअप 8.5 घंटे का मिलता है। ये काफ़ी डिसेंट बैटरी बैकअप है इस 5000 mAh बैटरी के लिए। और यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल इससे ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिलेगा, दुगना तिगना चौगुना बैटरी बैकअप भी मिल सकता है अगर आप नॉर्मल या फिर हार्डकोर यूज़ करते हो मोबाइल को। ओवरऑल बैटरी बैकअप हमें काफ़ी डिसेंट इस मोबाइल का मिला है, प्राइसिंग भी काफ़ी बढ़िया है। डीप रिव्यू भी आपको चैनल पर मिल जाएगा और भी बहुत सारे वीडियोज़ चैनल पर अवेलेबल है। और कोई डाउट कोई क्वेश्चन इस मोबाइल के रिगार्डिंग है सिंपली आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेटेस्ट अपडेट के लिए ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जैन बोलते रहिए, वंदे मातरम।